और पीटीआई इंट्रा पांच इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला कर दिया है। पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन के 40 सवालों के जवाब दे दिए हैं। कहा, कुछ नहीं छुपाया, इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद किया है। 40 सवाल तो पीटीआई से पूछे, ऐसे सवाल जिनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन से भी कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे सवाल जिनका इन केस से भी कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद ये है, आखिर में मैंने ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप इसका जल्द से जल्द फैसला कर दें, जो भी फैसला है आप कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्टेज पर जा सकें और अपना सिंबल ले सकें, जो हमारा हक है, पीटीआई का हक है। उन्होंने जवाब में ये बताया मुझे कि उनको एहसास है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, उनको एहसास है कि ये फैसला जल्द होना है, लेकिन जजमेंट आज रिजर्व कर ली गई है, अब देखेंगे कब उसको अनाउंसमेंट आती है। इलेक्शन कमीशन से आखिर में हमने ये इस्तेदा की है कि आखिरी डेट फाइलिंग ऑफ नामिनेशन फॉर्म 22 है, आप बराह मेहरबानी इस केस का फैसला और इस सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे चढ़ाना ये 22 तारीख से पहले कर ले। अगर 70% आवाम से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी का इलेक्शन सिंबल डिस्प्यूटेड है और अभी तक क्लियर नहीं है तो लेजिस्टिमेटी भी आप इलेक्शन की वो भी बड़ी क्वेश्चनेबल होगी। मेहरबानी करके इस मैटर को 22 से पहले पहले कंक्लूड कर ले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।